मैंने कहा पेड़ मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो ए हो न जाने कितने सौ बरसों से आधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह खड़े हो सूरज उगता डूबता है चाँद छीजता है ऋतुएं बदलती हैं मेघ उमड़ता पसीजता है और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर रहते हुए उम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठेठ कठे ठे खड़े हुए हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सभी को प्रातःकालीन नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन सो टुडे इज सिक्सटींथ ऑफ ऑक्टोबर 2023 डे नंबर 288 नेवर डू टूमोरो व्हाट यू कैन डू टुडे प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीप ऑफ टाइम एंड थीप ऑफ जॉय एज वेल सो स्टडी फुल थ्रॉटल

लास्ट थ्री फोर मंथ्स में जो हमने स्टडी का मोमेंटम कंटिन्यू किया है इस मोमेंटम को आगे आपको कंटिन्यू करना है फॉर नेक्स्ट सेवन टू एट मंथ्स ऑफ टाइम ये जो मोमेंटम होगा ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारी सक्सेस के लिए सो डोंट ब्रेक द मोमेंटम अभी फेस्टिवल के भी सीजन हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं बट द पॉइंट इज ये आपका जो स्टडी का मोमेंटम है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए स्टडी एवरीडे एवरी डे मीन्स एवरी डे दिस इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर वन रेखा पीडा पिदा द्वल एंड खाखरा इनका जो क्लासिफिकेशन है टेम्पल आर्किटेक्चर का ये किस राज्य में देखने को मिलता है इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरली हमारे यहाँ नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है देन एक साउथ का है द्रविडन और दोनों का एक अमलगमेशन है दैट इज़ वेसर स्टाइल इसके अलावा कुछ रीजनल आर्किटेक्चर के पैटर्नस भी होते हैं जैसे ये जो तीन वर्ड्स हैं ये आपको किस स्टाइल ऑफ़ टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा

कॉन्टिनेंट सेडिमेंट्री डिपोजिट ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स राइज इन सी लेवल तो कॉन्टिनेंट का एक पार्ट डूब में आ जाता है कॉन्टीनेंटल शेल्फ रेलेटिवली फैलो होती है सबमर्जेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट सेडिमेंट्री डिपॉजिट ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स रिवर्स अगर डिपॉजिट ब्रॉड करेंगी वापस अपने साथ कैरी करके लाएंगी तो उससे भी एक कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म फॉर्म होगा डिपोजिशन लैंडफॉर्म फॉर्म होगा और वहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन सकती है ओजोन so right तीनों तीनों पॉल्यूशन की ओजोन अगर ग्राउंड सरफेस पे है तो पॉल्यूटिंग है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है सो दिस इज रियली रियली गुड सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स मॉनिटर्स ओजोन पॉल्यूशन गौथनबर्ग प्रोटोकॉल बॉन कन्वेंशन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सो ओजोन पॉल्यूशन इनमें से चारों में से किन सारे पॉइंट्स में असोसिएटेड है गौथनबर्ग प्रोटोकॉल बॉर्न कन्वेंशन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सी वेरी गुड प्रियंका बॉन कन्वेंशन इज नॉट अबाउट ओजोन बॉर्न कन्वेंशन इज नॉट अबाउट ओजोन दिस इज अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स सो द राइट आंसर इज वन थ्री एंड फोर बी इज द राइट आंसर वेल डन वेरी गुड विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टशन हेल्प मैनग्रोव प्लांट्स टू कोप विद दर डायनामिक एंड हार्श इको सिस्टम ये क्या है मैनग्रोव है मैनग्रोव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्टल इकोलॉजी सो so, मैंग्रोव्स में एडेप्टेशन है बिकॉज समुद्र का पानी खारा है एंड देर आर सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडेप्टन रिक्वायर्ड होंगे सो so, मैनग्रोव में ये कितने एडेप्टशनस हैं विवीपेरी स्टिल्ट रूट्स न्यूमेटोफोर्स ये तीन जो वर्ड्स लिखे हैं इनके मीनिंग भी अभी आप देखना दी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो मैनग्रोव का अगर हम डिज़ाइन देखते हैं तो मैनग्रोव का जो डिज़ाइन है अडेप्टेसन है उनमें ये तीनों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे विवी पेरी, स्टिल्ट रूट्स और न्यूमेटोफोस मैनग्रूव्स बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन मिश्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वसुधेव कुटुंबकम वसुधेव कुटुंब कुटुंबकम का मतलब होता है अभी जी ट्वेंटी में हमने वर्ड यूज किया था द वर्ड इज वन फैमिली ये ओरिजिनली कहाँ अपेयर हुआ था कथा उपनिषद मुंडका उपनिषद ऐतेर्य ऐतरेय उपनिषद या फिर महा उपनिषद द द राइट राइट आंसर आंसर हियर हियर इज इज महा उपनिषद महा उपनिषद ओके सो आर द फाइव क्वेश्चंस फॉर टुडे स्कोर कैसा रहा बताइए अब हम टेलीग्राम क्विज देखते हैं एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अदर वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको मिल जाएगा दिस इज इंग्लिश इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं इडियम्स आज हम जानते हैं कुछ इडियम्स जो मनी से रिलेटेड है बिकॉज यू नो इकोनॉमिक्स को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स जो होती है ये फाउंडेशन होती है किसी भी कंट्री के लिए बिजनेस के लिए सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो लेट अस लर्न अबाउट मनी इडियम्स फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग्स अ डाइम अ डजन इसका क्या मतलब होता है डाइम अ डजन मतलब कॉमन एंड अवेलेबल एवरीवेयर बहुत आसानी से सब जगह फॉर एडवाइस आप सलाह मांग रहे हो एंड आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत एक्सपेंसिव है वेरी वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट कंपनी का मोबाइल है बॉर्न विद्वर स्पून बॉर्न विद्वर स्पून का मतलब है वेरी रिच फैमिली ब्रेड एंड बटर ब्रेड एंड बटर मतलब नेसेसिटीज और मेन पॉइंट्स क्या है ब्रेड एंड बटर क्या है ब्रेक द बैंक ब्रेक द बैंक का मतलब गो बैंक हो जाना ब्रिंग होम द बैकन मतलब पैसे कमाना अर्न मनी बर्न अ होल इन माई पॉकेट स्पेंड टू मच मनी टू मच मनी कैश इन द चिप्स सेलिंग समथिंग

बिल मतलब पे फॉर something, give नो no क्वार्टर वैसे ये जुगाड़ वर्ड है ये भी इंडियन इनोवेशन है Indians are for हम अपना work deliver कर ही लेते हैं so really no मतलब गिव नो मर्सी गो मतलब स्प्लिट द बिल चार दोस्त हैं, खाना खाने गए स्प्लिट द बिल जो कभी कभी नहीं भी होता है स्प्लिट द बिल मतलब गो डच गो इक्विटेबली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रेविट रेन मतलब हाई पे फॉर मिनिमल वर्क आई बेट मतलब यू थिंक सो लायंस शेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लायंस शेयर मतलब द मेजोरिटी ऑफ सम थिंग लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ हैंड टू माउथ मतलब वेरी लिटिल मनी नेक्स्ट एग सेव मनी पे अ किंग्स रेंजम पे अ लॉट ऑफ मनी पेनी पिंचर मतलब अगेन अ फ्रूगल पर्सन पोअर मनी डाउन द ट्रेन वेस्टेज ऑफ मनी Put in my two cents, मतलब गिव ओपिनियन सो देखो इंग्लिश में अगर हम ऐसे इडियम्स ऐसे फ्रेजेस हमारी राइटिंग में इंक्लूड करेंगे तो इससे क्रिस्पनेस बढ़ती है और स्पेशली आपको ऐसे में ये बहुत हेल्पफुल होगा तो ये सारे जो की वर्ड है फ्रेजेस हैं इनको हमें प्रैक्टिस भी करना है ऑल राइट दिस इज सी सेट सी सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जैसे ऐसे सवाल है ऐसे सवालों में बस हमें प्रैक्टिस करनी होती है एज सच बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास ऑफ थर्टी फाइव स्टूडेंट्स कुनाल इज प्लेस्ड फ्रॉम द बॉटम वेर एज सोनाली इज प्लेस नाइन्थ फ्रॉम द टॉप पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू सो वॉट इज कल्स पोजिशन फ्रॉम पुलकित क्विक एवरीबडी इसका अप्रोच कैसे होगा इसको अप्रोच करने के लिए इसको विजुअलाइज करना चाहिए हमें क्लास दी है थर्टी फाइव स्टूडेंट्स की कुनाल जो है वो सेवंथ है फ्रॉम द बॉटम तो मीन्स ये टोटल थर्टी फाइव स्टूडेंट है ये टोटल ऐसे थर्टी फाइव स्टूडेंट्स है और ये बॉटम है ये टॉप है अब कुनाल जो है वो बॉटम से सेवंथ है मतलब बॉटम से ऐसे करके सेवेंथ पे कुनाल है और जो सोनाली है ये नाइन्थ है फ्रॉम द टॉप तो टॉप से रैंकिंग करेंगे तो यहाँ पे सोनाली आएगी इन दोनों के बीच में पुलकित एग्जैक्टली इन बिटवीन है तो पुलकित इज एग्जैक्टली इन बिटवीन पुलकित एग्जैक्टली इन बिटवीन है अब हमें बताना है कुनाल की पोजिशन क्या होगी फ्रॉम पुलकित तो सोनाली टॉप से नाइन्थ है बॉटम से सेवेंट सेवेंथ है कुनाल तो कुनाल और सोनाली के बीच में कितने बच्चे होंगे इसमें होंगे टोटल जो होंगे तो देखो थर्टी फाइव तो सोनाली इज नाइन्थ नाइन्थ फ्रॉम द टॉप तो थर्टी फाइव माइनस नाइन प्लस सेवन प्लस वन तो ये हो जाएगा टोटल जो स्टूडेंट होंगे बिटवीन कूनाल एंड सोनाली कुल एंड सोनाली ये नहीं समझ में आया देखो यहाँ बॉटम से कुनाल जो है बॉटम से जो कुनाल है दिस इज दिस इज सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम कुनाल so, टॉप से किस रैंक में आएगा अगर बॉटम से सेवेंथ है तो टॉप से किस रैंक में आएगा क्विक यस वेरी गुड तो हमने टॉप से कुनाल का रैंक निकाला टॉप से सोनाली का रैंक निकाला कुनाल और सोनाली के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो ये नाइनटीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए कुनाल और सोनाली के बीच में अब बिकॉज नाइनटीन स्टूडेंट्स में देर इज वन स्टूडेंट पुल जो टॉप और बॉटम दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे प्लेस्ड है मतलब पुलकित के ऊपर नौ बच्चे होंगे पुलकित के नीचे नौ बच्चे होंगे और बीच का जो वो एक्स्ट्रा है नौ नौ अट्ठारह और एक वो हो जाएगा पुलकित तो इस तरीके से हमें पुलकित की पोजीशन पता चल गई अब पुलकित से कुल कितना नीचे है, तो नौ बच्चे तो बीच में आ गए और जो टेंथ है वो आ जाएगा कुनाल सो कुनाल की पोजिशन हो जाएगी टेंथ ओके तो हमने सबसे पहले इसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किए और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुनाल और सोनाली के बीच में नाइनटीन आए तो नाइन स्टूडेंट्स हो गए कुनाल और पुलकित के बीच में तो जो कुनाल है वो टेंथ हो गया फ्रॉम पुलकित ओके ऐसे सवालों का मैं अभी एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन आपको शेयर करता हूँ ओपन टेलीग्राम चैनल पे इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना दे आर वेरी वेरी इजी एंड लो हैंगिंग फ्रूट्स ओके दिस इज वन लाइनर ये एक न्यू इनिशिएटिव है अब से एवरीडे बेसिस पे आई विन टू फिफ्टीन इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कम्पाइल होगा, होगा? जैसे कुछ बहुत वन डे एग्जामिनेशन भी होता है बैंकिंग एस एस सी एटसेट्रा उनके लिए ये काफी यूजफुल होगा और इवन यूपीएससी के लिए भी काफी अच्छा फॉर्डर मटेरियल हमारे पास रेडी होगा जैसे प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर है अभी यहाँ पे नीरज चोपड़ा को अपॉइंटमेंट मिला है पूसा कृषि का नया इनिशिएटिव है लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट इंक्लूड होगा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की रेट है सागर परिक्रमा का टेंथ फेज है फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है नागापट्टिनम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स ने अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर स्टार्ट किया है माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है थर्टी सरस्वती सम्मान मिला है शिवा शंकरी जी को पेटीएम को अभी आरबीआई ने नॉर्मस फॉलो नहीं करने के लिए पेनल्टी लगाई आर बी आई इज फाइनल बॉडी चीफ बॉडी जो सारे पेमेंट रेगुलेटर्स पेमेंट रेगुलेशन को मॉनिटर करता है सिमिलरली को भी नवरत्न स्टेटस मिला है और भारत है हम का अभी एक नया ट्रेलर है तो ऐसे 15 टू 20 क्विक वन लाइनर्स एवरीडे बेसिस पे आई विल शेयर विद यू ओके सो ये वन लाइनर्स भी हमें काफी हेल्पफुल होंगे ऑल दिस इज प्रिलिम्स वन कोर्स इसका बैच थ्री आज से स्टार्ट होगा हम बहुत सिस्टमैटिकली इसमें थ्री सिक्सटी डिग्री प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें प्रिलिम्स भी इंक्लूडेड है और मेन्स की आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा इसमें लाइब्रेरी इनिशियटिव भी इंक्लूडेड है आप इसे सेपरेटली भी ज्वाइन कर सकते हैं सेपरेट ज्वाइन करने पर दिस इज डबल वन डबल वन इज द फी एंड वन टू वन सेशन है ये भी सेपरेटली यू कैन ज्वाइन एंड इसका फी है डबल वन डबल वन और जो प्रिलिम्स वन है इसमें ये दोनों चीजें भी इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम दैट कोर सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे ओके सो दिस अब आता है सोशल मीडिया अपडेट सी हु रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिशन ऑफ बंगाल लॉर्ड माउंट लॉर्ड चैम्बरलिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 को सिक्सटीन ऑफ अक्टूबर को बंगाल का पार्टीशन हुआ था ये पुराना वाला बंगाल है ये बंगाल में ये पार्ट था ईस्ट बंगाल एंड ये पार्ट था वेस्ट बंगाल। डायरेक्शन वाइज दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट तो ईस्ट बंगाल सेपरेट हुआ और बाद में यही ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बनेगा और वेस्ट बंगाल इंडिया का स्टेट है सो दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज ईस्ट बंगाल 16 अक्टूबर 1905 सो दिस वाज टर्म ऑफ लॉर्ड कर्जन जैसे अभी जो एम में सवाल था इसमें क्लास इलेवें इस सारी बुक को आप गो थ्रू करो इसके वीडियोज भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है फास्ट पेस्ड विडियोज है बट वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ईजी लैंग्वेज में है आपको सब समझ में आ जाएगा ये सारे अच्छे से आठ चैप्टर कंप्लीट करिए इसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द करंट अफेयर्स बाकी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज की जरूरत नहीं है वेस्टेज ऑफ टाइम है यूपीएससी में वहां से सवाल नहीं आते मैक्सिमम जो सवाल आएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या अभी जो अमृत महोत्सव या यहाँ से जो इनिशिएटिव आ रहे हैं ना करंट अफेयर्स इधर से मैक्सिमम सवाल पिक होंगे सो जस्ट फॉलो दिस एनसीआर बुक ये आर्ट चैप्टर्स हैं दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल एक्सट्रीमली यूजफुल कंप्लीट दीज एट चैप्टर्स और आपका आर्ट एंड कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा अब जैसे ये है ड्रोन डिलीवरी ये जो ड्रोन डिलीवरी है अब मेंस में सवाल आएगा ड्रोन डिलीवरी के, के केसेस या टारगेटेड आउटकम क्या हो सकते हैं ड्रोन डिलीवरी के मेडिसिन में बहुत यूटिलिटी है जैसे ब्लड स्टॉक हमें इमीडिएटली जैसे ब्लड सैंपल्स ट्रांसपोर्ट करने तो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन वी कैन डू दैट वैक्सीनेशन कोविड नाइनटीन के टाइम पे ड्रोन की हेल्प से हमने वैक्सीनेशन का डिलीवरी किया लॉन्ग टेल मेडिक भी है जैसे स्नेक बाइट्स या रेबीज से मोर्टेलिटी कम करना या फिर हमें सेकेंड एंड थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट केस देना या फिर अर्बन स्टैंडर्ड ऑफ केयर रूरल पेशेंट्स में प्रोवाइड कराना तो लॉन्ग टेल मेडिक अब आंसर आ रईटिंग करते हैं ना तो दिस इज द वे एक हेडिंग बनाया और उसके ये तीन पॉइंट्स लिख दिए वन टू थ्री लॉन्ग टेल मेडिक वन टू थ्री वैक्सीनेशन स्टॉक एंड डायग्नोस्टिक पेसिमेन भी हम ले सकते हैं टर्न अराउंड टाइम कम होगा सैंपल कलेक्शन एंड रिपोर्ट डिलीवरी एक्सेट्रा में सो so ये ड्रोन है और ड्रोन का यूटिलिटी है ड्रोन का यूटिलिटी है इन द मेडिसिन सेक्टर सेलेक्ट योर फेवरेट बिहारी क्विजीन सो so आप टीम ए में है या टीम बी में है सो दिस इज बिहार टूरिज्म काफी एक्टिवली प्रमोट कर रहा है बिहार कल्चर को सो so ये क्या है ये है मालपुआ और ये क्या है दही वड़ा सो आर यू टीम ए और टीम बी यस टीम बी ज्यादा है सो दिस इज टीम बे टीम बी या फिर टीम ए सो दिस इज बिहारी क्यूजीन हमें हमारे सारे जो फूड है ना ट्रेडिशनल फूड है नॉट ओनली बिहार यूपी का बहुत औसम फूड है बिहार का वेस्ट बंगाल ऑसम है उड़ीसा जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल कर्नाटका तमिलनाडु केरला जितने भी स्टेट क्यूजीन है हमें उनके बारे में एक फेयर नॉलेज होना चाहिए सो so, ये है दही वड़ा एंड मालपुआ आप हैं दुर्गावती देवी जी रिमेंबरिंग द ब्रेव फ्रीडम फाइटर फॉन्डली नोन एज द अग्नि ऑफ इंडिया शी वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ नौजवान भारत सभा आपने भगत सिंह जी को हेल्प किया था टू एस्केप फ्रॉम लाहौर आफ्टर द दिस हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था सो so, दिस इज दुर्गावती देवी जी डॉक्टर रॉय चौधरी हैं डीपी रॉय चौधरी हैं आप वर्जा पेंटर थे और आपने पोर्ट्रेट भी बनाया है और स्कल्प्टर भी हैं आपकी बर्थ एनिवर्सरी है आप फाउंडर चेयरमैन थे ललित कला अकादमी दिल्ली का आप लाला हरदयाल हैं हरदयाल साहब हैं गदर गदर आंदोलन के संस्थापक हैं जिनके लेखों पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था अब बताइए पोवाड़ा लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर दिस इज पोवाड़ा पोवाड़ा लोकगीत का संबंध किस राज्य से है उत्तर प्रदेश कर्नाटका महाराष्ट्र या फिर बिहार दिस इज पोवाड़ा ये रीजनल डांस फॉर्म्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अभी मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने टॉय सेक्टर को भी इंपॉर्टेंट so, जो ट्रेडिशनल टॉयज होते हैं माइथोलॉजी हिस्ट्री कल्चर एटसेट्रा में इनका सिग्निफिकेंस है आप हैं प्रोफेसर हरीश चंद्र जी मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका सेमी सिंपल लाइ एल एंड ग्रुप्स में और आई बी एम व्यूमेन प्रोफेसर पद्म भूषण मेडल भी आपको मिला है अपडेट फॉर टूडे आज आंसर राइटिंग नहीं है आज हम पुराना सारा कंप्लीट करते हैं बैकलॉग काफी फीडबैक भी बचा हुआ है वो कम्पलीट करते हैं कल से आंसर राइटिंग हम डेली बेसिस पे रिज्यूम करेंगे सो so, फॉर्मेट क्या रहेगा हमारे न्यूज ब्रीफ का सुबह 11 बजे मॉर्निंग 11 एम पे न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आपको अटेंड करना है इसमें जो सेक्शंस होंगे न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया होगा न्यूज़पेपर होगा अंग्रेजी भी पढ़ना है सी सेट भी करना है आंसर राइटिंग भी करना है और फैक्ट वन लाइनर जीके भी करना है ये सारी चीजें फास्ट बेस्ड फास्ट पेस में 60 मिनट्स ऑफ टाइम पे वी विल ट्राई टू कंप्लीट तो एक पूरा होलजम सेशन हो जाएगा हमारा 60 मिनट्स में ओके okay? दिस इज the दिस इज़ द हिंदू न्यूज पेपर मंडे अक्टूबर सिक्सटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यहाँ पे बात है इसराइल और हमास हाँ ऑप्शनल का ऑलमोस्ट सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है मैंने मैं आज एक शाम को एक स्पेशल क्लास लूंगा कल इसलिए नहीं हो पाया सम स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि फेस्टिवल एंड ऑल उनको ऑफ चाहिए कल संडे भी था सो आज मैं उसको कंप्लीट करूंगा क्लासेस हमारी बहुत रेगुलर होगी सिस्टमेटिक होगी और अभी हम टाइम बाउंड मैनर पे सारा चीजें कंप्लीट कर लेंगे ऑल right? अभी बहुत सिस्टमैटिकली सारे जितने भी हिकअप्स हैं सारे अभी दूर हो जाएंगे अब सी दिस इज द थिंग कि ये जो वॉर है ये जो वॉर है दिस इज इसराइल वर्सेज हमास अब ये जो वॉर है इसमें फॉग ऑफ वॉर एक टर्म होता है फॉग ऑफ वॉर इससे पहले हमने बहुत सारी डिफरेंट वॉर्स भी कवर किए और ये वॉर अभी जिस पोजीशन पे है नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मैं अननेसेसरी अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में कमेंट्स करने से बचना चाहिए बिकॉज अभी हमारी प्रायोरिटी केवल एक है फर्स्ट इज कि हमें इंडियन सिटीजन्स को इवेकुएट करना है सेकेंड सिविलियंस का जो डेथ होता है ये कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है अब वो सिविलियन सिविलियन मतलब वो नॉन पार्टिसिपेंट है वॉर में ये सिविलियन हो सकते हैं इसराइल के भी ये सिविलियन हो सकते हैं पैलेस्टीन के भी तो जो सिविलियन लाइफ कैजुअलिटी है दिस इज नॉट दिस इज नॉट जस्टिफाइड दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड सो लेट अस सी इसमें अभी इस इवेंट को हम आफ्टर सम डेज कवर करेंगे फॉर नाउ इसका हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे वॉर का मतलब जोग्राफी ऑफ इसराइल वॉर मतलब आगे एक आर्टिकल भी है जब भी वॉर होता है तो वॉर में भी सर्टेन एथिक्स होते हैं सर्टेन इंटरनेशनल रूल्स ऑर्डर्स एंड लॉज हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे दिस इज न्यू इन्वेस्टमेंट स्लोड अगेन इन क्वार्टर टू ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सो यहाँ पर यह बात है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो डाउन हुआ है जैसे मैन्युफैक्चरिंग में माइनिंग में इंफ्रा में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ड्राइविंग कर रहा है इन्वेस्टमेंट साइकिल का गवर्नमेंट क्राउड इन करने की कोशिश कर रही है दो वर्ड होते हैं एक होता है क्राउड इन और एक होता है क्राउड आउट इन दोनों का मतलब आप बता सकते हो वन इज क्राउड इन एंड क्राउड आउट हम कोशिश कर रहे हैं क्राउड इन की मतलब गवर्नमेंट ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे ब्रिजेस बना दिए रेलवे लाइंस एंड ट्रेन स्टार्ट कर दी नाउ गवर्नमेंट वांट्स प्राइवेट सेक्टर टू सप्लीमेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे इन्वेस्ट करे सो दिस इज क्राउड इन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू जो नेक्स्ट है this is political olympian heights this is again a very good article editorial take bahut balanced hai yahan pe olympian heights see india must be wary of the complexities of hosting the olympiad abhi olympics ka 2036 mein government 2036 में government bid करने वाली है कि ओलंपिक्स India में होना चाहिए अभी recent ओलंपिक्स का आप लिस्ट बताओ अभी हाल में 2000 कोविड के कारण डिले हो गया था बट हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक्स ओलंपिक्स। हुआ है। टोक्यो उलम्पिक्स. इसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक है वो 2028 में ये 2024 में है 2024 में नेक्स्ट है 2024 फिर 2028 में है ऐसे ओलंपिक्स पूरे हैं हमारे पॉइंट इज कि ये जैसे अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहा है इसके बाद वाला कहां पर है अमेरिका में है तो जो ओलंपिक्स के जो अगली डेट्स है ना ये बहुत पहले ही डिसाइड हो जाती है तो अभी जो वैकेंसी था वो 2036 के ओलंपिक डेस्टिनेशन का था तो इंडिया 2036 के लिए अप्लाई किया है अप्लाई अभी बिड करेगा बिड करेगा कि 2036 का जो ओलंपिक्स है वो इंडिया में हो ओके सो दिस इज ओलंपियन हाइट्स अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी है पहला कॉम्प्लेक्सिटी तो देखिए वर्ल्ड कप जैसे अभी इंडिया में हो रहा है बट जिस तरीके से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मूव हुआ है कई बार क्या होता है कि ऑन ग्राउंड जो पार्टिसिपेंट्स है क्राउड का ये कम देखने को मिला है हम ज्यादातर अब ये कल्चर भी हो रहा है जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रहा है मीडिया कवरेजेस एक्सेट्रा हो रहा है तो जो पहले जिस तरीके का क्राउड एंड पार्टिसिपेशन एंड फेस्टिविटीज होती थी स्पोर्ट्स आज की डेट में वैसी फेस्टिविटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं रिसेंटली जो टोक्यो ओलंपिक्स था टोक्यो ओलंपिक्स में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी अनसर्टेनिटीज एक तो कोविड नाइनटीन अनसर्टेनिटीज थी दूसरा कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया सेम चीज अगर हम कुछ दिन पहले देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आया था कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया स्टेट है उसने पुल आउट कर दिया था 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में बिकॉज एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा सिमिलरली अदर स्पोर्ट्स में भी ये एक ट्रेंड देखने को मिला है द पॉइंट इज कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है और स्पोर्ट्स आने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा एक और प्रॉब्लम है जिसे इंडिया में लास्ट जो मेजर स्पोर्ट हुआ था इवेंट वो था 2010 का और 2010 का ये कॉमनवेल्थ गेम्स था आज का जो दिल्ली हमें नजर आता है ना मेजोरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसका 2010 में हुआ था क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड मल्टीनेशनल इवेंट्स जैसे अभी जी ट्वेंटी हुआ है दीज आर लाइक अ ट्रिगर दीज आर लाइक अ अटलिस्ट जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था दिल्ली के लिए सिमिलरली अभी जी ट्वेंटी इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है दिल्ली के लिए बट द पॉइंट इज इससे एसोसिएटेड जो करप्शन इससे एसोसिएटेड जो चैलेंजेस आते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी एटसेट्रा की ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है तो ये सारी चीजें कहलाएंगी कॉम्प्लेक्सिटीज सो so, यहां पे बताया है कि इन आ, दिस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में बताया है वुड लीव नो स्टोन इन इट्स टू ऑर्गेनाइज दिस एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होगा न्यू दिल्ली मतलब इंडिया एक वर्ल्ड लीडर के रूप में आगे उभर है तो अगर वर्ल्ड लीडर के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट को होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए सो दैट इज वाय दिस इवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दो चैलेंजेस हैं टू थाउजेंड टेन के जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स थे या फिर 2000 अभी जो ब्रिस्बेन में होगा या फिर विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट किया है फ्रॉम दिस कॉमनवेल्थ गेम्स ये चैलेंजेस होंगे कॉस्ट एक चैलेंज होगा बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अपॉर्चुनिटी क्यों है बिकॉज अभी जब एशियाड हुआ चाइना में तो हमने हंड्रेड मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में सो so, स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है जब सच टाइप ऑफ एक्टिविटी किसी कंट्री में होती है तो अगर 2036 का ओलंपिक्स इंडिया में होगा तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा।, so होगा। सो देना चाहिए बोथ साइड आर बिहेविंग यहाँ पे बताया सिविलियंस जो लाइफ है इसको सेफ करना जरूरी है वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड अभी वर्ल्ड फूड डे है अक्टूबर 16 को और इस साल की जो थीम है वो है वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड जल ही जीवन है वाटर इज फूड और इसलिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वाटर को वाइजली यूज करने का वैसे वाटर की हमारे पास कमी नहीं है प्लान अर्थ इज अ ब्लू प्लानट बट द पॉइंट इज कि जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है मैक्सिमम जो वाटर है वो सॉल्टी है या ओशन में है या लॉक्ड है जो यूजेबल पोर्टेबल वाटर है फ्रेश वाटर है वो बहुत स्कॉर्स है स्कैंटी है अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ वाटर हैज़ बिकम इवन मोर क्रिटिकल विद इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो एग्रीकल्चर फेल हो जाता है और एग्रीकल्चर फेल होता है तो हमारा फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ड्रॉट कॉमन हो रहा है फ्लड्स कॉमन है अनसीजनल रेन्स कॉमन है प्रोलोंग्ड ड्राई स्पेल्स कॉमन है तो जो वाटर का अगर स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन होगा तो एग्रीकल्चर की क्रॉप का इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है यू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसीज है और इन्होंने स्ट्रेस दिया है कि हम इनोवेटिव और कोलेबोरेटिव अप्रोच अपनाएं सो दैट वाटर स्कॉसिटी के कारण एग्रीकल्चर में शॉर्टकमिंग्स नहीं है वाटर अवेलेबिलिटी हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ऑफ इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो रेनफेड है रेनफेड मतलब बारिश के पानी से ही वहां पे सिंचाई होती है सिक्सटी परसेंट ऑफ इंडिया सो दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग इंडिया में अगर कोई ट्रू गॉड है तो वो है मॉनसून वाटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन तो हमारा लाइफ का हर एस्पेक्ट जल पे डिपेंडेंट होता है मॉनसून पे डिपेंडेंट होता है सिक्सटी परसेंट हमारा रेनफेड है तो ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है ये डायरेक्टली वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है रेन एंड सॉयल मॉइस्चर का वेरिएशन होता है तो फूड का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाता है न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी होती है सो देर इज एन अर्जेंट नीड टू एडेप टू क्लाइमेट चेंज बाय प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिस जिससे रेन फेड प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन रिजिलियंट हो सस्टेनेबल हो कि अगर बारिश के ड्राई स्पेल्स आ भी रहे तब भी हमारा एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए वेरी गुड वेरी गुड प्रियंका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उभरे मोती मानस चून वेरी गुड वेरी गुड प्रियंका सो द पॉइंट इज इरिगेटेड एग्रीकल्चर 72 परसेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर जो है द होल आइडिया इज पानी को हमें बचाना होगा कैच द रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो क्लाइमेट क्राइसिस है फ्रेश वाटर की सप्लाईज कम है इको सिस्टम प्रॉब्लम में वर्लिटी हो रही है इससे प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है फूड अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होती है अब देखिए कुछ डेटा है वीट का इल्ड 19.3 परसेंट कम हो जाएगा बाय 2050, 40 परसेंट डिक्लाइन होगा बाय 2080. तो इमेजिन 2080 तक फोर्टी परसेंट कम प्रोडक्शन होगा वीट से सब तब फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे कुड डिक्लाइन बाय एंड और ये इतने सारे राज्य हैं जो वलनरेबल है आंध्र कर्नाटका हिमाचल हिमाचल महाराष्ट्र दे आर हैविंग डिफिकल्टीज सो इस कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यू एफ पी ने भी बोला हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रायोरिटी में करना है अब इसको कैसे आप करोगे आप फिक्स करोगे इरिगेशन कैनाल्स डैम्स पॉन्ड्स डाइक्स वाटर का हर ड्रॉप हमें कंजर्व करना है वाटर का वेस्टेज नहीं करना है सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिजाइन एंड प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर और दैट इज बाय एग्रीकल्चर साइंस एग्रीकल्चर आर एंड डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वॉलिटिलिटी ऑफ वेदर को हम मिटिगेट कर पाए अब इसके लिए स्टेप्स क्या है फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए हमें इनोवेटिव और प्रूवन टेक्नोलॉजी चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा रिजिलियंट बने और हम जैसे मिलेट्स को एनकरेज कर रहे हैं मिलेट्स क्या होता है मिलेट्स सुपर फूड होता है मिलेट्स मतलब कम पानी में ज्यादा अच्छी फसल होता है ये हाई माइलेज वाली कार्स है मिलेट्स सो so, मिलेट्स आर वेरी वेरी गुड सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू यस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए ड्रिप इरिगेशन आप बताओ इनोवेटिव तरीका और क्या हो सकता है एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलियट बनाने का क्लाइमेट रेजिलियट यस जैसे हम ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं इससे कम बारिश में कम पानी में हम ज्यादा अच्छी सिंचाई कर पाते हैं ड्रिप इरिगेशन यस मिलेट्स को हम ज्यादा लगाए बायोडाइवर्सिटी जो है क्रॉप डाइवर्सिटी ये भी हम ज्यादा यूज करें मोनोकल्चर इज नॉट ओके मोनोकल्चर इज नॉट ओके यस प्राइम मिनिस्टर सिंचाई योजना है क्रॉप रोटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड यस ग्रे वॉटर मैनेजमेंट फेंटेस्टिक वेरी गुड ऑर्गेनिक फार्मिंग है जीएम क्रॉप भी एट टाइम्स यूजफुल हो सकती है सो वी नीड टू कंजर्व अवर एग्रीकल्चर सिस्टम द वर्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ये जो आर्टिकल है क्लोजिंग द जेंडर गैप इन दर्क फोर्स वर्क फोर्स में जेंडर गैप कम करना है सो so अगेन अभी जो नोबेल प्राइज विनर है और नाइनटीन में भी इस वर्ड को क्विन किया गया था वेन विमेन वेबर फोर्स सी एज अ रूल ऑफ थम कोई भी सोसाइटी कोई भी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती है अगर फिफ्टी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी सो ये जो फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन है विमेन इनका पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो लेबर फोर्स में मिसिंग है होम केयरिंग फॉर चिल्ड्रन है तो एट टाइम्स ये केयर इकोनॉमी और जी डी पी में काउंट भी नहीं होता है

कि वुमेन को सेम वर्क में पैसे कम मिलते हैं और ये चीज एम जी नरेगा से पहले कुछ केसेस में भी हमने देखने को मिला था कि जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं इंडिया में अगर ट्रूथ बी टोल्ड ये जो एग्रीकल्चर वर्कर है ना इसमें सबसे ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन है जो एग्रीकल्चर खेतों में जो वर्क होता है ना सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन मिलेगा चाहे वो धान की बुआई हो धान के खेतों में देखो धान की बुआई हो या फिर फसल को हमें काटना है या फिर वेजिटेबल या अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी वर्क एंड एक्टिविटी करना है इसमें आपको वीमेन पार्टिसिपेशन काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलेगा बट द पॉइंट इज क्या उनको अकॉर्डिंगली वेजेस मिल रहे हैं वैसे ये वेजेस इक्वल नहीं है एट टाइम्स सो दिस इज द थिंग तो ये तभी होगा जब हम बेहतर इक्विटेबल वे में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे सो दिस इज अ रेगुलर आर्टिकल जिसमें बात बताया है कि हमें रीशेप करने की जरूरत है एनवायरमेंट वर्क एनवायरमेंट को और कॉन्ड्यूज प्लेसेस बनाना है अपॉर्चुनिटीज इक्विटेबल वे में प्रोवाइड कराना जरूरी है अनादर शॉक फॉर इंडस्ट्रीज है ट्रू अप चार्ज एंड एडजस्टमेंट फ्यू कम क्लोज टू हिटमैन इन वर्ल्ड कप क्रिकेट रोहित शर्मा का पुल शॉट एंड नंबर ऑफ सिक्स दिस इज टॉप क्लास देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इजराइल हमास एंड द लॉज ऑफ वॉर यहां हम कुछ टेक्निकलिटीज पढ़ते हैं कि इवन इफ देर इज अ वॉर इवन इफ देर इज अ वॉर वी नीड टू फॉलो जो दोनों वॉरिंग नेशंस हैं दे नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट जैसे लॉज ऑफ वॉर क्या होता है देर आर टू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चन रिलेटिंग टू वॉर पहला है अंडर वॉट कंडीशंस और वेन कैन कंट्रीज यूज फोर्स इन देअ इंटरनेशनल रिलेशन मतलब आप फोर्स कब यूज करोगे जो फोर्स होता है ये कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होना चाहिए In स आती है इस वॉर में अनएथिकल कंडक्ट भी आता है इस वॉर में सो मच ऑफ सो मैनी थिंग्स होती है जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते दे आर लाइक एट टाइम्स अनजस्टिफाइबल थिंग्स हॉरर्स भी होते हैं यहाँ पे सो so, ये जो वॉर है क्या ये वॉर भी सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑनर के थ्रू लड़ना चाहिए ये बात है इंटरनेशनल लॉज में सो so, जैसे जू एट बैलम है ये रेगुलेट करता है यूनाइटेड नेशन का चार्टर तो ये बताता है कि वॉर कब करना है एग्रेशन कब दिखाना है सो दिस इज द थिंग सेकेंड हाउ इज अ वॉर टू बी फॉट दैट इज वॉट मिलिट्री एक्शन आर परमिसेबल वॉर है बट एट टाइम्स आपको वॉर भी ऐसा नहीं है कि यू गो ऑन रैम्पेज एंड किल द सिविलियंस

ये रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और ग्रुप्स एंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे कई बार सोल्जर uh, है वो रेगुलर सोल्जर है सिविलियन नहीं है बट सोल्जर भी अगर कैप्चर हो गया प्रिजनर प्रिजनर ऑफ ऑफ वॉर बन गया है पीओडब्ल्यू हो गया है देन ऑल्सो जो सोल्जर है उसको अपोजिंग एनिमी सोल्जर है देन ऑल्सो आपको एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सो इट्स प्राइमरली ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट सिविलियंस

सो लेटेस्ट सी अभी इसमें क्या आगे डेवलपमेंट होता है अभी ग्राउंड इन ग्राउंड अभी एक्शन स्टार्ट हो रहा है सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर यहाँ पे सिविलियंस लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है दिस इज ऑल्सो वन थिंग लेटेस्ट सी ये किस डायरेक्शन में आगे जाता है बट द होल थिंग इज कि वॉर जो है वॉर इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग वॉर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग सो दिस इज लॉज ऑफ वॉर यू एन अप्रूव्ड कीनिया लेट सिक्यूरिटी मिशन टू हाई ती फ्रेंच ए आई फर्म लैंग्वेज मॉडल डिवाइड्स द डेवलपर कॉम्युनिटी ए आई के साथ भी इशूज हैं ही पुट्स मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरी वन wrong? So सो दिस इज me मी डाउन me मी डाउन मतलब होता है इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं पुट मी डाउन मतलब यूज इन एवरीडे कॉन्टेक्स मतलबाइज वेन यू पुट सम वन डाउन यू फाइंड फॉल्ट विद द इंडिविजल

सो डज इट मीन की हम रिजेंबल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स में फॉर सर्टन जो ट्रेट्स होते हैं फीचर्स होते हैं हमारे जेनेटिक्स वो पेरेंट्स से आते हैं सो टेकन आफ्टर योर फादर सो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है मतलब बहुत सिमिलैरिटीज है यस देन रिजेंबल इज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर ऑल राइट देन दिस इज ट्रेपसी का मतलब है वॉक है वॉक है और टू ट्रेम्प अबाउट ऑल राइट सो दिस इज इंग्लिश वर्ल्ड फूड डे भी है अभी स्टडी एस्टिमेट्स काउंट ऑफ यू ए वी इज रिक्वायर्ड फॉर द्री सर्विसेज अभी जो टाइम आ रहा है फाइटर पायलट्स की तो जरूरत है बट अभी हम ड्रोन्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं और इसमें यू ए वी का काफ़ी यूटिलिटी है यू ए वी से दो फायदे होते हैं अगर इसके अंदर ह्यूमन बींग नहीं है तो इसकी जो डिजाइन इंजीनियरिंग है वो हम ज्यादा रॉबोट बना सकते हैं बिकॉज वी डो नॉट है यू ए वी सेकेंड अगर इनकेस वॉर में कैजुअलिटी भी हो जाता है स्ट्राइक भी हो जाता है तो हमें एज सच ह्यूमन बींग का एंगल वहाँ से हम आउट कर पाएंगे तो दैट इज़ वाई ये जो अनमेंड एरियल व्हीकल होते हैं इनका बहुत यूटिलिटी है वॉर में और आजकल हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा यू पे डिपेंडेंट हो रही है सो स्टडी एस्टिमेट्स काउंट ऑफ यू जो तीनों सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है

सो द पॉइंट इज कि टेररिज्म को हमें एनकरेज नहीं करना है देन दिस इज नेक्स्ट वन ईडी श्रीलंका मूव टूवर्ड्स आर सी पी बांग्लादेश इन क्यू देन दिस इज नेक्स्ट वन काजीरंगा सेंचुरी रीओपन ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश एरा ऑफिसर सो दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ब्यूटिफुल है ये गुवाहाटी देन दिस इज काजीरंगा ये थर्टीन हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर का है ये वर्ल्ड का सेफेस्ट एड्रेस है टू द वर्न ऑन रायनासोरस ओपन एनुअल एनुअली होता है बारिश में बंद हो जाता है अभी बारिश का सीजन जा रहा है तो अभी फिर से ओपन होगा ये सो दिस पार्क इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल नेशनल पार्क सबको एक बार जरूर देखना चाहिए आप जिस भी राज्य में है हर राज्य में ऑलमोस्ट आपको सेंचुरी या नेशनल पार्क मिल जाएंगे विजिट दोज नेशनल पार्क विजिट वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ को देखिए नेचर नेशनल पार्क एट्सट्रा यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क रेलवे डेवलप्स एंटी फ्रीज फ्लशेज एंड फ्यूल टैंक्स फॉर जर्नीज इन जम्मू एंड कश्मीर तो अब देखो ये इंजीनियरिंग मार्वल है ये चेनाब ब्रिज में है चेनाब ब्रिज इज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट तो जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर तरफ रेलवे जा रही है और ये चेनाब का बहुत ब्यूटिफुल ब्रिज है अब बिकॉज ये हाई एल्टीट्यूड पे होगा और सब जीरो टेम्परेचर पे भी वर्क करना पड़ेगा तो हम नेसेसरी चेंजेस कर रहे हैं हमारे लोकोमोटिव एल एच बी कोचे में और ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में ऐसे हमने डिजाइन चेंजेस इनोवेशन इंक्लूड किए हुए हीटेड पाइप होगा बिकॉज यू नो एट टाइम्स क्या होता है वो जम जाता है दिस जो लिक्विड होता है वो जम जाता है डीजल कार्स में अक्सर प्रॉब्लम होती है जब जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे डीजल कार में काफी प्रॉब्लम होती है पेट्रोल कार ज्यादा वहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्क ज्यादा अच्छा करती है वहाँ पे सो रेलवेज डेवलप एंटी फ्रीज फ्लैशेज उसमें ऑयल एट्सट्रा भी हमें टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है बिकॉज टेम्परेचर सब जीरो पे वहां पे हो जाता है यू एस वॉन्स ऑफ द प्रो दिस इज वेरी वेरी स्कैरी जिस तरीके से चीजें अभी डेवलप हो रही है अगर हम रीड इन बिटवीन द लाइन्स देखें दिस इज वेरी वेरी स्कैरी थिंग जो अभी इसराइल एंड दिस पेलेटीन इशू में हो रहा है बिकॉज अगर ईरान का इन्वॉलमेंट होता है लेबनान का इन्वॉलमेंट होता है और फिर जिस तरीके से यूएस एंड यू ने अपनी वॉरशिप्स से यहाँ पे सेंड की है इस पूरे कैजुअलिटी में जो सबसे ज्यादा सफर करेंगे वो करेंगे सिविलियंस uh, so सिविलियंस भी ये एक बहुत बड़ा मेजर बहुत डेवलपमेंट uh, हो रहा है मैनिंग द मोन्यूमेंट सी इसके जो रिपल इफेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है तो फ्रांस में भी यहाँ पे दिस सर, सर्टेन चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है अजहरबैजान एंड यस देन दिस इज अफगानिस्तान लीव इंग्लैंड शेल शॉक सो दिस इज वेरी गुड अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा यहाँ पे स्पोर्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया सिविल सर्विस प्रिपरेशन में भी आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज की जरूरत नहीं है मैं डेली बेसिस में आपको बताता हूँ आप सिंपल सिंपल न्यूज पेपर पढ़ो एन सी आर टी पढ़ो रोज पांच से छह घंटे पढ़ाई करो आपका एग्जाम बहुत हंसते खेलते निकल जाएगा

टू ग्रो एंड रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अभी जिस स्टेज पर हम हैं हमारे पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है हम अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं हम अपनी वीकनेस भी जानते हैं और अगर हम बहुत ऑनेस्टी के साथ को इवेलुएट करें खुद को तो हम अपने को जानते हैं कि कितना सच है कितना असत्य है क्या हमारा है हम कितने पानी में है हमें सब पता होता है द पॉइंट इज वी शुड बी ऑनेस्ट विद अवर सेल्वस और फिर अकॉर्डिंगली हमें नेसेसरी इनपुट्स नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स नीडेड टू रीच द नेक्स्ट लेवल सो दिस इज इंपॉर्टेंट जैसे अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की मैथड देखें तो हमने मैस्लो मॉडल एक बार पढ़ा था मैस्लो मॉडल क्या होता है हमारी सर्टन रिक्वायरमेंट होती है फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है फूड इज रिक्वायर्ड क्लोथिंग इज रिक्वायर्ड वी ऑल वॉन्ट सेफ्टी सेफ्टी होना चाहिए चाहे वो सर्टेनिटी होनी चाहिए जॉब में स्टडीज में एवरीवेयर देर शुड बी सम सर्टेनिटी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स ये ह्यूमन बींग है वी ऑल वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रेंडशिप सोशलाइजेशन सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सोरी वेरी 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 इम्पोर्टेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो ये मैस्लो का मॉडल है साइकोलॉजी के थ्रू हमें स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें एट सम स्टेजेस ऑफ हमारी लाइफ में हमें रिक्वायर्ड होती है द पॉइंट इज दे इट द परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई वीकनेस और उसको विद द हेल्प ऑफ लाइक कोचेस देखो कोचेस की भी बात माननी चाहिए कई बार टीचर कोई बात बता रहा है ना तो उसकी माननी चाहिए उसमें ऐसा बहुत ज्यादा ईगो नहीं लाना चाहिए कि मुझे इतनी सारी चीजें आती है दिस एंड दैट इफ इफ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ डेडिकेटेड पर्सन जो स्पेशलिस्ट है उस डोमेन में जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट और लेटेस्ट सारी चीजें पता चल रही है और उसको आपने हेल्प भी लिया है तो फिर जब कोचेस जो बोल रहे हैं उनकी बात मानना चाहिए मैं हर किसी को बोलता हूँ आपको सिक्स पेजेस डेली बेसिस में लिखना चाहिए फाइव टू सिक्स पेजेस का आंसर राइटिंग आपको करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो आप पिछड़ रहे हो बाकी सबसे जो जिनका सिलेक्शन होगा उनसे आप पिछड़ रहे हो सो यू शुड राइट फाइव टू सिक्स ऑन डेली बेसिस सो दिस दिस इज 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 वी नीड टू टू डू तो तो द द पॉइंट कि कई बार बात मानना चाहिए थिंग मोटिवेशन ग्रो होना बहुत जरूरी है मोटिवेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मोटिवेशन को बैक करना चाहिए विद डिसिप्लिन और चीजों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए जैसे आई कीप ऑन टेलिंग एवरीबॉडी कि आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सबका एक बैलेंस शीट बनाओ उसको जर्नल करो लिखो क्योंकि ऐसे लिखेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे चीजों को सो यू राइट इट डाउन अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी वीकनेस अगर आप अपनी गलतियों को भी लिखोगे ना यू विल सी अ पैटर्न आपको अपना एक पैटर्न दिखेगा कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिस्टेक आई डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन व्हाई एम आई नॉट करेक्टिंग दैट मिस्टेक एक पैटर्न नजर आएगा इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपको अपने बिहेवियर में एक पैटर्न नजर आएगा आइडेंटिफाई दैट पैटर्न और अगर वो गलत है तो उसको करेक्ट करिए सो दिस इज द थिंग तो इससे क्या होता है हम बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ पाते हैं और हम अपना इवेल्युएट करते हैं और इससे इम्प्रूवमेंट होता है ओवरऑल हमारे वर्क में ओवरऑल हमारी लाइफ में सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग कई भी कभी भी रश्ड नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग हमें डबल चेक करना चाहिए हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट भी होना चाहिए पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गो इजी विथ योर सेल्फ आपका जो जर्नी है पढ़ाई का ये काफी आसान हो जाएगा ये क्या है दिस इज फुल एनअलर सोलर एक्लिप्स है जो अभी यूएस में देखने को मिला अब ये है एस्टिवेशन वॉट इज एस्टिवेशन समर अर्ज नैप तो वैसे भी समर सीजन में दोपहर में नींद बहुत आती है इसमें नेचर ने भी यही बताया है साइंस ने भी यही बताया है एवर फेल अर्ज टू अ हॉट डे एनिमल्स डू एग्जैक्टली दैट टू बीट द हीट बट फॉर अ होल सीजन तो ये लोग क्या करते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे तो दोपहर की नींद नहीं लेते वो पूरा पूरा सीजन ही सो जाते हैं समर सीजन पूरा आराम करेंगे समर ब्रेक आ गए सो दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन

तो वो बरो क्रेवाइस कुकून एट्सेट्रा बनाते हैं इस टाइम पे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है सो बॉडी एनर्जी कम कंज्यूम करती है सो इससे जो समर रिलेटेड ड्राइनेस है वाटर का शॉर्टेज है प्रीडेटर का अटैक है इन सब को ये बाईपास कर लेते हैं तो देर आर सो मेनी एनिमल्स जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं मैनी लैंड स्नेल सील एट्सेट्रा यहाँ पर एस्टिवेशन करते हैं तो दिस इज समर एस्टिवेशन बट द पॉइंट इज ऐसी ही एक नींद विंटर्स में भी आती है अभी विंटर सीजन आ रहा है ना तो विंटर सीजन में भी लॉन्ग स्लीप होता है इस स्लीप को क्या बोलते हैं आंसर ये समर का लॉन्ग स्लीप है सो दिस इज एस्टिवेशन यस हाइबरनेशन बोलते हैं उसे वेरी गुड सो दिस इज टूडेज न्यूज पेपर ये एक एन की बुक है ये मैं अभी फिर से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं हमें अगर स्टार्ट करना है आर्ट एंड कल्चर आप इस बुक से स्टार्ट करो दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट एब्सोल्युटली वर्थ इट ओके आंसर राइटिंग डिस्कशन भी अभी करते हैं हैव अ लुक एट आंसर राइटिंग डिस्कशन सो right. so, आज कौन, आज वेबसाइट अपडेटेड नहीं है ना मैं करता हूँ वेबसाइट अपडेट अभी अपडेट करता हूं मैं आज हमें क्या पढ़ना था आज हमने ये देख लिया था जोग्राफी ऑफ इजराइल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स अभी हम देखते हैं टेंथ ऑफ अक्टूबर अब ऑलमोस्ट हम ऑन ट्रैक आ गए कल से ऑफ अक्टूबर कुछ सबमिशन तो आ गए यहाँ पे एक दिन और चाहिए आपको ठीक तो है इसको कल देख लेते हैं ऑल राइट लेटेस डू इट डू इट टूमारो और अभी सी सेट पे अब हम कॉन्टिन्यू करते हैं आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट करते हैं ओके सो दिस इज न्यूज पेपर क्लास फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ स्टडी वेल एंड बी सेफ ऑल राइट है नाइस डे एवरी वन है नाइस डे अभी सी सेट का क्लास है मैं अभी इन्वाइट कर रहा हूँ आपको सी सेट की क्लास है अभी फाइव मिनट्स में okay?